सारा परिवार एक साथ बैठकर सुनता है देखता है। हम चाहते भी हैं कि परिवार एक साथ इस वक्त पे आ जाए, क्योंकि जिंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं हम लोग, इतने तनावग्रस्त रहते हैं हम लोग, इतने अस्त व्यस्त रहते हैं हम लोग कि मस्त हो ही नहीं पाते। और हम यहाँ हैं कि आप मस्त हो जाए, सारा परिवार एक साथ बैठे और कोई भी ऐसा दृश्य ना आए जिसके लिए इधर उधर देखना पड़े। टेलीविजन पर ऐसे सीन आते हैं एकदम से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है और आदमी रिमोट ढूंढने लगता है तुरंत। अब एक बार ऐसा हुआ, बाप बेटा और पूरा परिवार देख रहा था, ऐसा ही कुछ आया। अब बच्चे को लगा कि तुरंत रिमोट, लड़का था जवान, रिमोट लेके तुरंत, अब गलती से उसे वॉल्यूम का बटन दब गया। वो आवाजें आने लगी कि माँ बाप ने दोनों बेटे की ओर घूर के देखा। और ऐसे में क्या होता है, अचानक आवाज कम करने के लिए कोई ना कोई घर का सदस्य बहुत जोर जोर से खांस लेगा ताकि ध्यान ना जाए। लेकिन बच्चे तो स्मार्ट हो गए ना आजकल, कोई पूरा परिवार का एक छोटा बच्चा भी था, अचानक कोई ऐसा वैसा सीन आ गया, अब रिमोट मिला नहीं तो मम्मी इधर जाले बहुत हैं इधर लग, इन्हें सफाई कराओ। दो मिनट बाद बच्चा बोला मम्मी मुंह कर लो, सीन गया। तो भारतीय परिवारों में जो औलादे हैं मुझे इनसे बड़ी सहानुभूति है। मैं खुद एक औलाद हूं और जिस पीढ़ी के हम औलाद हैं उनसे तो पूछिए मत उनका क्या हुआ। माँ बाप ने ठोका, अब औलाद से पिट रहे हैं। कुल मिला के सैंडविच वाली कंडीशन है हमारी स्थिति। ये है कि हिंदुस्तान में हर औलाद को अपनी माँ से एक वाक्य तो सुन नहीं पाता। सारी दुनिया आपकी कितनी तारीफ कर ले, यू आर दिस यू आर दैट, तुम वो हो तुम वो हो, माँ घर में भगवान, ऐसी औलाद किसी को न दे। जान ले रखी है इसने, 11 बज गए सो रही है, ससुराल में क्या करेगी माँ, तेरी मानी आएगी उठाने के लिए, सास होगी वहां पे, चाय ला दो 11 बजे, तेरा ससुर चाय लाएगा वहां पे। सुनना पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ईमानदारी से बताना, किस किस को सुनना पड़ा, जरा हाथ खड़े करो। वाह वाह, शारदे को नमन करता हूँ और सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत आभार। और मैं सभी युवाओं की तरफ से, सभी युवा कवियों की ओर से, जिन्हें मौका मिल गया या जिन्हें मौका आगे मिलने वाला है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, क्योंकि आप ही की सहायता से हम देश में आगे तरक्की करेंगे और कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। एक दोहे से आरंभ करना चाहता हूँ सर के, मंदिर में हरी ढूंढता इत उत फिरता डोल, मंदिर में हरी ढूंढता इत उत फिरता डोल, शाम स्वयं आ जाते हैं राधे राधे बोल, शाम स्वयं आ जाते हैं राधे राधे बोल। सर सभी अपने जीवन में प्रेम करते हैं, सभी प्रेम करने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन प्रेम में क्या क्या होता है, कैसी कैसी मुश्किलें आती हैं, मैं चार पंक्तियों से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। खामोशी से मौन नहीं काटा जाता, खामोशी से मौन नहीं काटा जाता, मजबूरी में कौन नहीं काटा जाता, तू है मेरी बातें काटा करता है, मुझसे तेरा फोन नहीं काटा जाता, मुझसे तेरा फोन नहीं। वाह संकल्प। और देखें क्या होता है कि जलेगा दिल नजर पानी तो होगी, जो भी प्यार करता है कि जलेगा दिल नजर पानी तो होगी, खुदा ने कुछ ना कुछ ठानी तो होगी, जिसे चाहा बड़ी शिद्दत से उसको भुलाने में परेशानी तो होगी, भुलाने में परेशानी तो होगी। के चार पंक्तियां और देखें के, अब आज के जमाने में बस ये जो है ना मोहब्बत बदल गई है थोड़ी सी संकल्प के, पहली पहला मिसरा क्या था इस मुक्तक का, चलेगा दिल नजर पानी, जलेगा दिल नजर पानी तो होगी, खुदा ने कुछ ना कुछ ठानी तो होगी, खुदा ने कुछ ना कुछ ठानी तो होगी, जिसे चाहा है बड़ी शिद्दत से उसको, उसको भुलाने में, जिसे चाहा है बड़ी शिद्दत से उसको, अब ये चाहा वाला नहीं है, अब ये नहीं है बेटा, खुदा ने कुछ ठानी तो होगी, और जिसपे खर्च किया है 6 महीने तक मैंने, उसे भुलाने में परेशानी तो होगी। हाँ संकल्प,
तो चार पंक्तियां देखें कि खेल जहां तक खेले जाते सारे खेल दिए मैंने, खेल जहां तक खेले जाते सारे खेल दिए मैंने, बीच हमारे आने वाले मिट्ठू पेल दिए मैंने, वो है जिससे रोटी तक भी गोल नहीं बेली जाती, उसको पाने के चक्कर में पापड़ बेल दिए मैंने। हाय हाय, उसको पाने के चक्कर में पापड़ बेल दिए मैंने। कि धड़कन बढ़ जाती है यूं टच करते हो, धड़कन बढ़ जाती है यूं टच करते हो, तुम ही मेरे ख्वाबों को सच करते हो, एक बोसे से क्या होगा तुम ही सोचो, एक बोसे से क्या होगा अर्थात चुम्बन, एक बोसे से क्या होगा तुम ही सोचो, बाहों में आकर भी लालच करते हो, एक बोसे से क्या होगा तुम ही सोचो, बाहों में आकर भी लालच करते हो। और गजल का आखिरी शेर फिर मैं अपना स्थान लूंगा कि सौंप दिया है मात पिता ने जब से सब कुछ बेटों को, सौंप दिया है मात पिता ने जब से सब कुछ बेटों को, मालिक का खुद अपने घर में एक छोटा सा कोना है। हाय 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 हाय, वाह शंकर, बहुत बढ़िया शंकर, क्या बात। समस्त दर्शकों को इस डंडे की तरफ से दंडवत प्रणाम। सर आपको प्रणाम करता हूँ। सर अभी मैं मुंबई आ रहा था तो फ्लाइट का टिकट बुक किया, तो टिकट पे लिखा हुआ था 25 किलो तक का बैगेज फ्री सर्विस, तो मैंने कहा इसमें ही शिफ्ट हो जाता मैं, तो फिर टिकट का पैसा क्यों लिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सर ऐसी ऐसी स्थितियाँ हो जाती है, हमारे होली के टाइम पे चुनाव पे नेताजी हमारे गांव में आए तो वो सभी को गुलाल लगा रहे थे, तो गुलाल लगाते हुए मेरे पास भी आए। मैंने उनसे कह दिया कि नेताजी 5 साल से तो आप सबको चूना लगा रहे हैं, आप गुलाल लगाने का क्या मतलब, तो वो बुरा मान गए। बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैं हास्य का कभी हूँ राजनीति की बात नहीं करता, हास्य की बात करता हूँ, सुनिएगा। अधूरे इश्क को अपने कभी अपडेट कर लूंगा, अधूरे इश्क को अपने कभी अपडेट कर लूंगा, तुम होगी लेट तो भी मैं तुम्हारा वेट कर लूंगा, फिर भी छोड़ कर जाना, फिर भी छोड़ कर जाना तो बेशक चली जाओ, तुम्हारे बाद तुम्हारी सहेली को सेट कर। तो मोहब्बत में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मोहब्बत में कभी पूरा कोई वादा नहीं होता, मोहब्बत में कभी पूरा कोई वादा नहीं होता, मुकम्मल इश्क होता है कभी आधा नहीं होता। क्या बात। हसीनों की लगा दूं लाइन अपने सामने में भी, हसीनों की लगा दूं लाइन अपने सामने में भी, मुनाफा पानी पूरी में मगर ज्यादा नहीं। हाय हाय, बहुत बढ़िया। और सर चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मेरे दिल की तिजोरी को वो ऐसे लूट जाएगी, मेरे दिल की तिजोरी को वो ऐसे लूट जाएगी, मेरे दिल की तिजोरी को वो ऐसे लूट जाएगी, हस्ती खेलती मेरी जिंदगी रूठ जाएगी, मेरे दिल की तिजोरी को वो ऐसे लूट जाएगी, मेरी हस्ती खेलती जिंदगी रूठ जाएगी, उसको गले लगाने की हरगिज हिम्मत नहीं मुझ में, इस प्यार के चक्कर में पसली टूट जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत प्रैक्टिकल बात है, बहुत बढ़िया। ब्रिजेश मोहब्बत की बात करने वाली है, संकल्प मेरे दोस्त हैं कि सर मोहब्बत की बात करते हैं, बड़े बड़े गीत लिखते हैं जी। मोहब्बत की बात सर दो पंक्तियों में खत्म हो सकती है। करो। गिफ्ट गुलाब चॉकलेट, गिफ्ट गुलाब चॉकलेट सबकी ऐसी तैसी, गिफ्ट गुलाब चॉकलेट सबकी ऐसी तैसी, तैसी। बयां करनी पड़े तो मोहब्बत कैसी। हाय हाय, वाह 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 विदेश, वाह। फिर चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ। क्या बात है। कि सपने पूरे नहीं होते सपने सजाने से, सपने पूरे नहीं होते सपने सजाने से, मेहनत निकालो वक्त के खजाने से, आगे निकलना है तो ओवरटेक करो, आगे निकलना है तो ओवरटेक करो, ऐसे कुछ नहीं होता हॉर्न बजाने। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। मोहब्बत बयां करनी पड़े तो मोहब्बत कैसी। अब बैठ जा वरना थोड़ी देर में उड़ भी सकता है, आराम से। अब क्या करो बेटा, तुम कुल जमा 23 साल के हो,
मोहब्बत जो है ना दिन में 20-20 बार बयां करनी पड़ती है, और ना करो ना फिर देखो। बेटा बयां करनी पड़ती है, और आज का जमाना ऐसा है कि हमारे बड़े मकबूल शायर है, उन्होंने अपना एक मिसरा कहा था कि शराब भले ही कम हो गिलास बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो ये जो है आज का जमाना बड़ी गिलास देखता है, अच्छा लिबास देखता है, और मोहब्बत हो न हो लेकिन ये बयां करने वाले होते हैं ना, ये बड़े कमाल के होते हैं, ये ओवरटेक कर जाते हैं।